उस्मानिया इदारा हर आँख का तारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال إنما أوتيت علم الأولين والآخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مكرم معزز بزرگو دوستو اور عزیزو کمالات نبوی انا صاحب التسلیم بیان ہو رہے تھے تو جو محبت کے باعث ہے محبت ضروری چیز ہے اس کے اسباب ایک سبب بیان ہو رہا تھا کمال پھر بہت سے ہیں ان میں سے اخلاق کا کمال دو جو میں نے عرض کیا اور بہت سے واقعات حدیثیں اور بھی موجود ہیں آپ کے اخلاق عظیم ترین تھے آپ ہر چھوٹے بڑے کا لحاظ رکھتے تھے پیار کرتے تھے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 سال کا بچہ آپ کی خدمت میں دے دیا گیا اور پھر 10 سال میں نے خدمت کی آپ کے پاس رہا ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا بلکہ یہاں تک بھی نہیں کہا کسی کام کے کرنے پر کہ یہ تو نے کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ، بچے پتہ نہیں کتنے کام کرتے ہیں، بندہ ڈانٹتا ہے 10 سال میں ایک دفعہ بھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی مجھے ڈانٹتا کسی کام پر تو اس کو روک دیتے، فرماتے ہیں یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب اس کو کیا کہتے ہیں، چھوڑو اس کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ ہونا ہی تھا ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، وہ فلاں کام کر کے آؤ، آگے بچے کھیل رہے تھے، بچہ پھر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ، وہیں کھیلنے لگ پڑا، اتنے میں نبی علیہ السلام پیچھے سے آ کے مجھے پکڑا، ہاں جی وہ کام نہیں کر رہی، ہنس بھی رہے تھے سارے، بندے کو آتا تو غصہ ہے نا، میں نے یہ کام بھیجا ہے، یہ جا کے کھیلنے لگ پڑا ہے، غصے کا موقع تھا، لیکن آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، جی حضرت میں جاتا ہوں جلدی، وہ چلا گیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دیہاتی آدمی تھا، کھیتی باڑی کرنے والا، ظاہر غالباً اس کا نام تھا،
वो फिर जब शहर में आता तो अपने खेतियों में से कोई सब्जी कोई फल जो भी उनके पास होता वो ले आता तो फिर हदीये के तौर पर। और मैं भी फिर नबी अलैहिस्सलाम उनको फिर हदीये तोहफे दे के वापस करते। वो फरमाते हैं एक दफ़ा मैं मंडी में अपना सामान बेच रहा था तो इतने में कोई पीछे से आया, उसने मेरे आँखों पे हाँ पीछे से आँखों पे हाथ रख ली। ये क्या हुआ, कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? गुस्सा आता है आदमी को ऐसे मौके पर, पता तो नहीं था ना ये कौन है। तो जब यूं करके देखा तो वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो कहते हैं फिर मैं खुद ही अपना जिस्म आपके जिस्म के साथ मलने लगा, खुद ही पीछे हट के। ये अखलाक की बात है ना, वो बड़ा बड़ा आदमी का बड़ा रोब होता है, वो तो बंदा देख ही नहीं सकता उसको, और रोब भी आपका इतना था। साहबा फरमाते हैं जब मजलिस में बैठे होते अबू बकर और उमर के सिवा आपकी तरफ कोई नहीं देख सकता था, रोब इतना था, इतना रोब था, वो देख लेते थे, बाकी हम सब नीचे नजरें करते। रोब भी इतना, फिर मोहब्बत इतनी, प्यार इतना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह की सारी फरमाते गलबा नजर तनसी हैं को। कुछ लोग जो हैं बरकत के लिए पानी ले आते हैं ताकि उसमें आप हाथ डाल लें, कुछ पढ़ दें या हाथ डाल दें तो बरकत बढ़ जाएगी। फरमाते हैं साबी के वो बहुत से लोग होते हैं और सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी होता, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि ये ठंडा पानी में हाथ नहीं डालता, सबके बर्तनों में ठंडे पानी में भी हाथ डाल देते। कैसे ये है अखलाक, मोहब्बतें, प्यार, ऐसे अखलाक वाले ऐसे तो नहीं कहते अल्लाह इन्ना का लाला खुलों के नजीम। आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, ऐसे कह दिया, कुरान की बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत से वाकयात अजीब अजीब वाकयात हैं आपके अखलाक के, प्यार के, मोहब्बत के। अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं फरमा दिया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमनों से ज्यादा मोहब्बत और शफकत करने वाले हैं, मोमनों के अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत शफकत करते हैं। इतना कोई खुद अपनी जान के लिए वो नहीं कर सकता जितना कि नबी अलैहिस्सलाम में मोहब्बत और प्यार कर। उम्मती उम्मती, आपको उम्मती का फिक्र रहता, जब मौका आता तो उम्मत के लिए दुआ मांगते, और उम्मत ने छोड़ा हुआ है, सुनते सारी छोड़ी। वैसे कोई कह दे यार इस सुन्नत के खिलाफ है तो ये करो, कह दे दीन मेरे ने लिए सारे तुम्हारे लिए नहीं, फलाम अजीब अजीब बातें करने। सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नत, मेरी सारी उम्मत जाएगी जन्नत में जाएगी, मेरी सारी उम्मत कलमा पढ़ने वाली, कलमा पढ़ने वाली सारी उम्मत जाएगी अल्लाह, इल्ला मन अबा, जिसने इनकार कर दिया वो नहीं जाएगा। इल्ला मन अबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह इनकार करने वाला कौन है? फरमाया जिसने मेरी इताअत की, सुन्नत पर चला वो तो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी सुन्नत पे चलना छोड़ा वो इनकार करने वाला है। ये निशानी, हर काम की एक निशानी और अलामत होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले नबी के हर कौल फेल को अपनाते हैं, जो नहीं अपनाते वैसे बात करते हैं,
वो झूठे हैं, कोई भी हो, किसी फिर के किसी जमात के साथ ताल्लुक रखता हो। तो मोहब्बत तो इताअत पर उभारती है। मोहब्बत आपकी वाजिब है, ज़रूरी है, फ़र्ज है, और फिर उसके बाद इताअत आती है। यही तो इस वर्ष से तो आपने फरमाया ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। तो मैं से कोई आदमी भी ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि मेरे साथ अपनी जान, अपने वालिदैन, बीवी बच्चों और सब लोगों से ज़्यादा मोहब्बत न करे। उलमा ने फरमाया ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम कोई महबूब ही सिर्फ बनना चाहते, ये उम्मत पर शफकत के लिए फरमाया कि तुम मोहब्बत करो मेरे साथ तो फिर इताअत आसान हो जाएगी। असल तो इताअत ही है, इताअत आसान हो जाएगी। हज़रत उमर ने यह हदीस रज़ी अल्लाह ताला ने सुनी तो कहने लगे या रसूलल्लाह मैं हर चीज़ से अपने आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवा अपने नफ्स के। फरमाया जब तक तू मेरे अपने नफ्स से भी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगा मोमिन नहीं हो सकता। बस साथ ही कह दिया हजरत अब आप मेरी अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। ये लोग मानने वाले थे, ऐसे तरक्कियां तो नहीं हो गई, ऐसे कामयाब तो नहीं हो गए, हम सिर्फ नाम लेने वाले हैं। तो इतने अजीम अखलाक के वाले, प्यार करने वाले, हमें भी चाहिए। ताली दोनों आंसुओं से बजती, आप मोहब्बत करते हैं और उम्मत को भी महब्बत करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नबी को दुआएं तो माँ अल्लाह ताला सबकी कबूल फरमाते हैं, आम लोगों की भी, कुफार की भी कबूल कर लेते हैं। शैतान ने जो दुआ की कबूल नहीं की अल्लाह ने, शैतान अभी रांदा दरगाह हुआ है, कहने लगा या अल्लाह मुझे लंबी उम्र दे दे और इतनी लंबी उम्र मैं दोबारा उठाए जाने वाले जब दोबारा लोग उठेंगे उस वक्त तक जिंदा रहूं। चालाकी उसने करने की कोशिश की ताकि मरो ही ना, मौत से बच जाऊं। क्यों? तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है लेकिन आपको मोहलत देता हूं इला वक्त मालूम तक, यानी कियामत तक, जब बाकी हर शय ख़त्म होगी तो भी हो जाएगा, उससे पहले ही तेरा मैदान है, सबका मैदान है, उस वक्त जो करना चाहता है कर ले। तो एक भ्रांदा दरगाह अभी एक आदमी एक चीज़ नाफरमानी करके खड़ा है अभी, और साथ ही वो दुआ मांग रहा है, तो कौन है वो बातें कबूल करे? आप हम ही कर सकते, आपका बेटा है, आपकी बीवी है, आपके बहुत दोस्त भी है, आपकी इतनी अच्छी इन्नी नाफरमानी की कि आपको बहुत दुख हुआ, तो साथ ही वो ऐसा ऐसी बात करता है ये भी दे दे मुझे इतने पैसे दे दे चीज़ दे दो, आप कैसे कबूल करें? जब पर आप तो उसको धुतकार देंगे। तो जनाब लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कबूल है तेरी इस वास्ते अल्लाह से मांगना चाहिए, दुआएं मांगना प्यार। हाँ दुआएं नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआएं तो होती रहती हैं कबूल, लेकिन एक ख़ास दुआ हर नबी को अल्लाह ताला ने दी है वो कबूल करेंगे ज़रूर, इजाज़त है उसको जो मर्जी है, उसके अलावा जो कबूल होती रहती हैं वो अलग हैं। एक ख़ास दुआ जो भी मांगी जाएगी वो कबूल कर ली जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम अम्बिया ने वो दुआएं दुनिया में मांग ली, मैंने अपनी वो दुआ क़यामत के लिए रखी हुई है, मैं उम्मत के लिए मांगूंगा। वो ऐसे प्यार करें, ऐसी मोहब्बत करें, और हम नाफरमानियों में तुले हुए, हम नाफरमानियाँ करें, इतनी मोहब्बत अल्लाह।
हदीसों में आता है हर नबी भी नफसी नफसी कह रहा होगा मैदान माशर में, लेकिन मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत का वो फरमाएंगे उम्मती उम्मती उम्मती, वो अपनी उम्मत का फिक्र कर रहे होंगे उस वक्त भी। अल्लाह अकबर। सर जमीन पे रख कर अल्लाह से दुआएं मांगेंगे और फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला उस वक्त कोई दुआएं सिखाएंगे, खुद ही मेरे दिल में डालेंगे, मैं उनके साथ दुआ कर रहा हूँ मैदान माशर। और फिर देर हो जाएगी जब, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्राइल इनको कह दो इरफा रासका, उठाओ ना सर, साल तो होता मांगो और आपको दे दिया जाएगा, इशफा तो शफा, सफारश करो हम कबूल करेंगे। क्या ऐसे प्यारे नबी जी हम सुन्नत को छोड़ के लगे फिरते, ऐसा कहीं ना भुलाए, हर जगह हमारी फिक्र। लेकिन याद रखें ये सिफारिश होगी ईमान वालों के लिए, ये ना हो कि सिर्फ नाम के मुसलमानों ईमान खत्म हो, कोई नहीं सिफारिश होगी। एक हदीस पाक में आता है कुछ लोगों को फरिश्ते घसीट के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, आप फरमाएंगे ये कैसे हो गया, मेरी उम्मत के लोग मालूम होते हैं तो मुझे बताया ही नहीं गया तो इनको यूं ही जहन्नम में फेंका जा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाए कोई ले आओ इनको, मेरे महबूब को मुतमईन करो, बताओ ये कौन है, पूछा कौन है ये, उन्होंने बताया ये करते रहे ये रुसम बदर बिदत कुफ्र ये काम करते रहेंगे। फरमाया फसोकन फसोकन, ले जाओ इनको खींच कर जहन्नम में, मेरी उम्मत में से नहीं है ये। इस वास्ते हमें चाहिए कि हम इतना तो कर लें कम अज़ कम उम्मत में से हमारा नाम न कटे, हम अल्लाह हम नबी की उम्मत में रहें तो फिर खैर है, फिर खैर है। सिर्फ ऐसे रहने रहने से उम्मत से ना कट जाते हैं। तो कोशिश करें कोशिश करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत इताअत जो कुछ आपने कहा हमारे फ़ायदे के लिए, जो कुछ भी आपने बताया हमारे फायदे के लिए, और सिर्फ बताया नहीं करके दिखाया, करके दिखाया, ये नहीं कि मुश्किल काम है आप तो करते नहीं और अब दूसरों को बताए चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, ओ लोगो तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, जो उन्होंने किया तुम भी करो और जो जिससे वो रुक गए नहीं किया तुम भी न करो। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें दे दें ले लो, जिससे रोक लें रुक जाओ। ये है, बाकी कुछ खसूसियात होती हैं वो बता दी आपने, ये मेरी खसूसियत है, चार से ज़्यादा तुम नहीं शादी कर सकते किसी वजह से, वो अलग बात है, जो उसको कहते हैं खसूसियत, उसके अलावा बाकी सारे काम हमने करने हैं, अल्लाह ताला हमें अमल करने की।